खबर इंदौर से है, जहां के वल्लभ नगर में 12वीं के छात्र की मौत का मामला सामने आया है। मंगलवार रात को वो अपने घर में स्कूल टाई से बने फंदे में लटका हुआ मिला। छात्र के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। मुंह में टमाटर भरा हुआ था। छात्र के मोबाइल का फ्लैश चालू था और वीडियो की रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया है। पुलिस के मुताबिक छात्र ने ऑनलाइन गेम का टास्क पूरा करते हुए जान दे दी। वहीं परिजन इसे हत्या बता रहे हैं। थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि वल्लभ नगर में रहने वाले विवेक कोल्हे के पिता गुजराती स्कूल की बस चलाते हैं, माँ घरों में काम करती है, बड़ा भाई रोहित नौकरी करता है। मंगलवार को सभी अपने अपने काम पर गए हुए थे, जहां रोजाना की तरह विवेक घर में अकेला था। छात्र ने पहले टाई का फंदा बनाकर गले में डाला और इसके बाद दोनों हाथों में रस्सी लपेटकर लोहे के पाइप से बांध लिए। बड़ा भाई जब घर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया। वहीं रोहित ने धक्का मारकर जैसे तैसे दरवाजा तोड़ा, भीतर देखा तो विवेक फंदे से लटका मिला था। रोहित ने उसे तत्काल नीचे उतारा, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। रोहित ने हत्या की आशंका जताई है। उसके मुताबिक विवेक के दोनों हाथ पीछे से बंधे हुए थे, गले में प्लास्टिक की नली लिपटी थी और मुंह में टमाटर था। दोनों हाथों के बीच पाइप फंसा हुआ था, वो 6 फीट ऊंची जगह पर लटका हुआ था। वही घटना के बाद पुलिस ने विवेक के दोस्तों से बात की है और सभी का कहना है कि विवेक ऑनलाइन गेम खेलता था। दोपहर में घर के सामने रहने वाली महिला से विवेक ने हथौड़ी ली थी, इसके बाद उसने किसी ने नहीं देखा। दरवाजा भी अंदर से बंद होने के कारण पुलिस आत्महत्या की बात कर रही है। वहीं स्पेशल टीम का कहना है कि यदि हत्या होती तो संघर्ष के निशान जरूर होते। मेरे बच्चे ने कभी ऐसा कर नहीं सकता, उसको मारा किसी ने, उसको जरूर मारा है किसी ने साहब, वो ऐसा नहीं कर सकता था, बहुत टैलेंटेड बच्चा था। उनका कहना है कि नग्न अवस्था में था और हाथ बंधे हुए थे और पबजी खेलने की वजह से भी ऐसा हो सकता है और शंकास्पद है। जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगी वैसे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।